Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the common errors of cases. ये cases क्या होते हैं, उनमें गलतियाँ किस तरह की दी जा सकती हैं और उन्हें कैसे find out करेंगे, इन सारी बातों की चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करूँगा. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं. केसेस नाउंस या प्रोनाउंस के रूप, जो सेंटेंस में उनके प्लेसेस के आधार पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन या प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म हम यूज करेंगे उन्हें केसेस कहते हैं. इस तरह से दोनों में चार केसेस होते हैं मुख्यतः. नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट होता है, पजेसिव जो किसी नाउन के साथ आता है, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट का काम करता है एक्शन वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, और जेनेटिव जो बिना नाउन के आता है लेकिन अर्थ बिल्कुल पजेसिव की तरह होता है. जैसे आई पजेसिव माई, आई आपका नॉमिनेटिव है, इसका पजेसिव माई होगा. इसका ऑब्जेक्टिव मी है तो इसका जेनेटिव माइन होगा. किसी नाउन को ले लें तो राम नॉमिनेटिव, इसका पजेसिव राम्स होगा, इसका ऑब्जेक्टिव राम ही होगा, और जेनेटिव पजेसिव की तरह एपोस्ट्रॉफी एस के साथ राम्स होगा. कहीं पे एपोस्ट्रॉफी एस होता है, कहीं केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं. इसकी चर्चा मैंने एपोस्ट्रॉफी एस और एपोस्ट्रॉफी के वीडियो में की है, आप उसे देख सकते हैं. तो आइए दोस्तों हम टॉपिक शुरू करते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर वन है, आई नो दिस इज योर्स ओन बुक. हर सेगमेंट को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपका ये विषय, आपका ये टॉपिक केसेस के इरर के संबंध में है, तो हम केसेस वाले सेगमेंट पर ध्यान दें. तो आपके सेगमेंट नंबर बी में केस आपका है योर्स जेनेटिव केस. जेनेटिव केस के बाद आया है ओन. याद रखें जेनेटिव केस के बाद दो ही शब्द आ सकते हैं, आइदर ए वर्ब योर्स इज अ लवली फेस और एन एडवर्ब एट द एंड ऑफ ए लेटर योर्स फेथफुली. बाकी कोई भी वर्ड इसके साथ नहीं आ सकता. यदि ऐसा होता है जैसा कि यहां हम देख रहे हैं, तो हम जेनेटिव केस योर्स को बदलकर पजेसिव केस योर में चेंज कर देंगे. तो आपका इरर सेगमेंट नंबर बी में है. द इरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी. And the error is the use of the genitive case yours. The correction, it must be replaced by the possessive your. So, यहां yours के स्थान पर आपको your का प्रयोग करना होगा. तो correction is your. So, the correct sentence will be, I know this is your own book. Let us come to question number two. She is better than me. She आपका subject है, nominative correct है. बेटर देन मी आपके सेगमेंट नंबर बी में एक केस आया ऑब्जेक्टिव मी. जरा गौर करें कि आपके सेंटेंस में तुलना सब्जेक्ट की हो रही है, यानी नॉमिनेटिव के साथ ही हो रही है, तो नॉमिनेटिव की तुलना सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ ही होनी चाहिए. अतः आपका इरर सेगमेंट नंबर बी में है. द यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस मी इज नॉट करेक्ट. चूंकि तुलना सब्जेक्ट की हो रही है तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ ही होगी, अतः आपका इस मी के स्थान पर करेक्शन नॉमिनेटिव आई होना चाहिए. सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, शी इज बेटर देन आई इन प्लेस ऑफ मी, शी इज बेटर देन आई एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री. आई एम गोइंग, सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव आई बिल्कुल करेक्ट है. आई एम गोइंग टू डील विद अ पोएम ऑफ मिल्टन. पोएम ऑफ मिल्टन का मतलब हो जा रहा है कि मिल्टन ने एक ही कविता लिखी है, और यदि मिल्टन ने एक ही कविता लिखी है तो फिर आ के जगह दा होना चाहिए था, जो कि संभव नहीं है. कोई भी कवि एक से ज्यादा कविता लिखेगा ही. तो अर्थ आ रहा है फ्रेंड्स कि मिल्टन की कविताओं में से एक. तो जब भी मेनी ऑफ, जब भी वन या टू और थ्री ऑफ मेनी का अर्थ हो, कई में से एक, कई में से दो, तो ऑलवेज केस जेनेटिव होना चाहिए. अर्थात यहां इधर सेगमेंट नंबर सी में है. इट लाइज इन द यूज ऑफ द वर्ड मिल्टन.
which is the objective case as it is coming after a preposition. तो आप इस Milton के जगह पर genitive case का इस्तेमाल करें और noun का genitive case बनाने के लिए बिल्कुल possessive की तरह apostrophe s या only apostrophe का प्रयोग होता है, क्योंकि इस noun Milton का अंत consonant में हो रहा है, अंत में s नहीं है, अतः यहां apostrophe s का प्रयोग करेंगे. So the correction will be Milton's. इस तरह से आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, आई एम गोइंग टू डील विद अ पोएम ऑफ Milton's. आई एम गोइंग टू डील विद अ पोएम ऑफ Milton's. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ब्रूटस वाइफ वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी. आपका सब्जेक्ट वाइफ के साथ एक केस लगा हुआ है, पजेसिव केस. पजेसिव केस याद रखें, जिस नाउन के अंत में एस हो और उससे हिशिंग साउंड आता हो, तालब्य श की आवाज आती हो, तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है. एपोस्ट्रॉफी एस गलत होगा. सो आपका एरर सेगमेंट नंबर ए में है. इट लाइज इन द यूज ऑफ द पजेसिव केस ब्रूटस विथ एपोस्ट्रॉफी एस. द करेक्शन विल बी रिमूविंग एस. ये एस को रिमूव कर दीजिए और केवल ब्रूटस एपोस्ट्रॉफे का प्रयोग कीजिए. सो द करेक्शन विल बी ब्रूटस विथ एपोस्ट्रॉफे. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी ब्रूटस वाइफ वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. आई वॉज श्योर ऑफ द बैंक यूनानिमस डिसीजन. ऑफ द बैंक यूनानिमस डिसीजन. आपका यहां सेगमेंट नंबर बी में जो नाउन है उसका केस ऑब्जेक्टिव है, चूंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, लेकिन ठीक इसके बाद यूनानिमस डिसीजन है, अर्थात यूनानिमस डिसीजन को ये क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात बैंक का यानी ऑफ का सेंस है, तो आपका केस पजेसिव होना चाहिए. जब भी कोई नॉन ह्यूमन थिंग जैसे बैंक है, स्कूल है, जनरली एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लेता, लेकिन यदि वो ह्यूमन कंसर्न शो करता है, यस ह्यूमन कंसर्न है, डिसीजन बैंक नहीं लेगी बल्कि बैंक के मेंबर्स ऑफिसर्स लेंगे, तो यह ह्यूमन कंसर्न है, अतः एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होगा. सो आपका एरर है सेगमेंट नंबर बी. इट लाइज इन द यूज ऑफ द केस ऑब्जेक्टिव केस बैंक. हियर इट मस्ट बी इन द पजेसिव केस फॉर विच वी विल हैव टू एड एपोस्ट्रॉफी एस. So the correction will be banks. The correct sentence will now be, friends, I was sure of the bank's unanimous decision. Now let us come to question number 6. She was taking her mother to the doctor. अर्थ बिल्कुल सीधा आ रहा, वह अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रही थी, डॉक्टर के पास या डॉक्टर के क्लिनिक. The sense is that of the clinic of the doctor. तो ऐसे सेंस में आपके किसी भी प्रोफेशनल के साथ apostrophe s अर्थात जेनेटिव केस का प्रयोग करना होगा. तो आपका एरर है सेगमेंट नंबर सी. द करेक्शन विल बी डॉक्टर्स. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी शी वॉज टेकिंग हर मदर टू द डॉक्टर्स. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Which is, what is my is kept for you. What is my? My is the possessive case. It always comes with a noun. और यदि noun ना हो तो फिर इसे बदल कर genitive case कर देना होगा. Since यहां my के बाद कोई noun नहीं आ रहा है, अतः either है. It lies in segment number B. The word my possessive case is not correct here as it is not followed by a noun. The correction will be mine. It's genitive case. So the correct sentence will be what is mine is kept for you. Aapka you correct hai kyunki preposition ke baad object hota aur you ka objective case you hai. Let us come to question number 8. While going to market, बाजार जाते समय रास्ते में आई केम अक्रॉस, अचानक मुलाकात हो गई, टू फ्रेंड्स ऑफ माई फादर.
क्या पिता के दो ही दोस्त थे? उनके दोस्तों में से किसी दो। तो जब भी आपको वन और टू और थ्री इस तरह की संख्या हो, ऑफ मेनी, कई में से एक, दो, तीन, चार आदि का अर्थ दिखाना हो, तो जेनेटिव केस का इस्तेमाल करें प्रीपोजिशन ऑफ के बाद। सो आपकी गलती है सेगमेंट नंबर सी, इट लाइज इन द वर्ड फादर, इट मस्ट बी इन द जेनेटिव केस बाय एडिंग एपोस्ट्रोफ एस टू इट। करेक्शन विल बी फादर्स। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, व्हाइल गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस टू फ्रेंड्स of my fathers. Number 9, me am. आपकी गलती यही है क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा nominative केस होता है friends. So your error lies in segment number A. Instead of the objective case me, we should use the nominative I. So the correction is I. The sentence should be, the sentence should have been, I'm going to the cinema. Next sentence is number 10. Rajhans's brother, remember when the noun has an s at the end, जब noun के अंत में s हो and it is preceded by a consonant और अंतिम s से पहले consonant हो, तो वैसे noun के possessive या genitive case में केवल apostrophe का प्रयोग होता है, apostrophe s का नहीं। तो आपकी गलती है सेगमेंट नंबर ए। द यूज ऑफ द apostrophe s इज नॉट करेक्ट हियर, instead इट शुड हैव बीन Rajhans only apostrophe. So the correct sentence will now be Rajhans brother fell off the stairs. Let us come to the next one. I drink a cow's milk every day. A cow's milk, cow possessive case apostrophe s के द्वारा बनाया गया है, but याद रखें non human के साथ, एनिमल के साथ आप तभी apostrophe s का प्रयोग कर सकते हैं जब उसके साथ my, your आदि, यानी कोई possessive केस लगाओ, चूंकि ऐसी स्थितियां नहीं है। तो आपकी गलती सेगमेंट नंबर बी में है। इंस्टीड ऑफ ए काउज मिल्क की जगह पर आपको प्रीपोजिशन ऑफ के स्ट्रक्चर में आना होगा। सो द करेक्शन विल बी द मिल्क ऑफ ए काउ। Hence the correct sentence will now be I drink the milk of a cow every day. इस तरह से friends आप हर segment के हर word को ध्यान से पढ़ें। Cases का मामला है तो cases पर गौर करें, whether it should be nominative, possessive, objective or genitive, और इस तरह से आप error को find out करके tick कर दें। Best of luck.